एक बंगाली स्ट्रीट रेसिपी है जिसे बंगाल में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आप इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कप बेसन, चार उबले हुए आलू जिनको मैंने छील करके अच्छे से मैश कर लिया है, साथ में लिया है आधा कप मूंगफली जो कि हमने हल्का सा रोस्ट करके इसको मिक्सर में इस तरह से दरदरा पीस लिया है, साथ में लिया है यहाँ पर मैंने लहसुन बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, ग्रीन चिली 2 लिए हैं मैंने बारीक कटा हुआ, और आधा छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है, और साथ में हम बेकिंग सोडा को भी यूज करेंगे बैटर के लिए। अब कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे लहसुन और मिर्ची को और थोड़ी देर इसको हम चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ी देर बाद इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज को जो हमने कट करके रखा है, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। लगभग 2 मिनट चलाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, और 1/4 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला यूज किया है। नमक हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से हमें पका लेना है। इसके बाद ऐड कर देंगे आलू को और इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स करते हुए फ्राई करते रहिए। तो ये यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है, नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। अब इसके साथ ही हम धनिया पत्ता भी डाल देंगे और फिर से इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो रोस्टेड मूंगफली है हमने जो तैयार किया था उसको। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है आलू चॉप बनाने के लिए, क्योंकि इससे एक क्रंच आता है खाते टाइम, तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो इस तरह से स्टफिंग जो है बन करके तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। इसको साइड में रख देंगे, तब तक ये ठंडा हो जाएगा तो हमें जो टिक्की बनाएंगे उसको बनाने में आसानी रहेगी। अब बेसन में हम डालेंगे हल्दी, और यहाँ पे मैं 1 चम्मच अरारोट डाल रही हूँ ताकि थोड़ा क्रिस्पी बने, अच्छा बने। हल्दी डालेंगे इसमें साथ में, और यहाँ पे नमक भी हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, और बेकिंग सोडा जो मैंने आपको दिखाया वो हम यहाँ पर मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच, मतलब 1/4 छोटा चम्मच, बहुत ही कम मात्रा में, चुटकी भर आपको डालना है यहाँ पर। अब इसमें पानी ऐड करेंगे धीरे धीरे, एक ही बार पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमें जो बनाना है वो बहुत ही गाढ़ा बैटर बनाना है, पतला बैटर हमें नहीं बनाना है यहाँ पर। तो इस तरह का कुछ कंसिस्टेंसी होना चाहिए बैटर का। अब जो हमने स्टफिंग बनाई वो ठंडा हो चुका है, तो हाथों पर ले और इसको इस तरह से मीडियम साइज के छोटे छोटे शेप में, राउंड शेप में आप इस तरह से टिक्की तैयार कर लें, और इस टिक्की को हमें इस बैटर में डिप करना है और फटाफट इसको फ्राई कर लेना है। तो तेज आंच पे आप पहले तेल को गर्म कर लें और इसको छानते टाइम यानी कि फ्राई करते टाइम मीडियम फ्लेम पर ही प्रोसेस करें। अब इसको अच्छे से दोनों तरफ से आप फ्राई कर लें और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में, ये जो बंगाली आलू चॉप है बन करके तैयार हो गया है। आप सर्व कर सकते हैं इसको हरी चटनी के साथ, या फिर हरी मिर्च फ्राई के साथ, या फिर सॉस के साथ। तो घर में ही सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। आप ये वीडियो ज़रूर देखें और ट्राई करें इस रेसिपी को। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इन्जॉय करिए इस डिलीशियस रेसिपी को। थैंक यू, बाय बाय, देखते रहिए मिन्स रेसिपीज़।